एनएसओ नेशनल एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट ये बीजेपी में आने के पहले से बना हुआ था, चलता रहेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी छात्रों और नौजवानों का संगठन है। आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, इनके राष्ट्रीय जो नेता हैं हर्षवर्धन हैं और उनकी पूरी टीम है, और पर्पज है कि 3 दिसंबर को रैली है। छात्र नौजवान इस समाज के अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, दूसरे के बैनर के नीचे तो इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन अपने लिए अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, क्योंकि ओबीसी का तो आरक्षण तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। एससी एसटी ओबीसी ने तो कुछ फ़ायदा ले भी लिया एक दो पीढ़ी, लेकिन ओबीसी की हालत तो और ख़राब है। और न्यायपालिका और जैसे सुप्रीम कोर्ट वो जो भी विधायिका के द्वारा अधिकार इन वर्गों को दिया भी जाता है वहाँ से छीन लिया जाता है, और छात्रों का छात्रवृत्ति का राशि अभी तक पुरानी है, और पहले तो छात्रावास बनते थे अब बनना भी बंद हो गए हैं, और अच्छी या जो एक्सपेंसिव एजुकेशन है प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर रहा है, और बहुजन भागीदारी, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज यहाँ अधिवेशन हुआ है और उसके ऊपर चर्चा विमर्श हुआ। मैंने छात्रों नौजवानों को कहा कि ये कोई जादूगर नहीं पैदा हुआ है, सोचते हैं कि कोई नेता जादूगर हो और उनका अधिकार दे देगा, यह संभव नहीं। स्वयं लड़ना पड़ेगा, पीपल्स पावर, जनता की शक्ति के बगैर कोई दूसरी उपाय इस समय हमारे पास नहीं है, तरीका नहीं है जिससे कि हम अपने अधिकार को बचा सके, अत्याचार से बच सके। यही बात मैं नौजवानों और छात्रों को आज। सर आप न्यायपालिका घिराव करने वाले हैं और उसमें सर आपने भाषण में भी कहा, और सर पिछली जो सरकार है वो न्यायिक आयोग लाई थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना, सर आपका क्या प्रपोजल हुआ? क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी भी है तो जाहिर सी बात है आपसे एक सवाल होगा कि क्या होना चाहिए, सही रिजर्वेशन होना सरकार को फिर से अमेंडमेंट करना चाहिए था, और सारी पार्टियों को मिल करके उन सुप्रीम कोर्ट के जजेज को इम्पीच करके हटाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं है, और इसकी आंदोलन हम चालू रखेंगे आगे। सर यूथ में एक स्किल डेवलपमेंट की भी जो है कमी है, बार बार सर आप बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट लेकर के कहाँ जाएंगे? ये सर मैं वही बोल रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जाति देख कर तो नौकरी देते, स्किल डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। वो सरकार अपना कर रही, जो काम सरकार का वो कर रही, जो काम हमारा हम कर रहे हैं।